मूवी की शुरुआत होती है फिल्म के लीडिंग कैरेक्टर वेरोनिका रोनी कैल्डर के बचपन से, जिसे अपने किंडरगार्टन क्लास के दौरान हल्की विस्फोट की वाइब्रेशन महसूस होती है और उसी दौरान उसे खिड़की की ग्लास पर क्रैक नजर आता है। जैसे ही वो खिड़की के नजदीक बढ़ती है, हमें आसमान में ब्राइट एनर्जी की परछाई दिखाई देती है और फिर देखते ही देखते उस एनर्जी से एक्सप्लोजन ट्रिगर होता है, जिसके कारण हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और उसके थोड़ी देर बाद रोनी की मॉम भागते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस एक्सप्लोजन के कारण बादलों में बवंडर शुरू होने लगा था। और फिर मूवी 10 साल आगे रोनी के समय में मुड़ जाती है। रोनी को देखकर समझ आ जाता है कि उस घटना का उस पर काफी असर पड़ा, पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये होती कि जब वो शॉवर करके मिरर पर अपना चेहरा देख रही होती है, बैकग्राउंड में हमें कुछ अजीब और डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही होती है। अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करके मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करते दौरान जब वो टीवी न्यूज पर ये खबर सुनती है कि गवर्नमेंट ये मानने से इनकार कर रही कि कोई न्यू रेमिनेंट्स देखे गए, तब वो मॉम से शेयर करती है कि उसके दोस्त ने भी न्यू रेमिनेंट्स देखे, पर उसकी मॉम तंग आ चुकी होती है उसके रोज के सेम टॉपिक पर, इसलिए उसे टॉपिक चेंज करने को कहती है। पर रोनी भी भड़क जाती है क्योंकि वो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे रेमिनेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर देखते ही देखते उसके डैड एक हवा की तरह गायब हो जाते हैं और फिर रोनी गुस्से में उठकर चली जाती है। पर ये रेमिनेंट्स क्या है और वो फुसफुसाने की आवाज कहां से आ रही थी और वो क्यों उस घटना के बाद से इतनी डिप्रेस रहने लगी, ये हमें कुछ देर में समझेगा। जब रोनी अपने हाई स्कूल के लिए निकल पड़ती है, ठीक उसके डैड की तरह और भी लोग गायब होते दिखाई देते हैं। रोनी और दूसरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके लिए ये रोज की बात हो। पर जब क्लास के दौरान प्रोफेसर ऑगस्ट बिटनर रेमिनेंट टॉपिक्स पर लेक्चर देते हैं, तब हमें इस पूरे मिस्ट्री के बारे में रिवील होता है। दरअसल वो एक्सप्लोजन सिटी से कुछ दूर एक गवर्नमेंट रिसर्च लैब में डॉक्टर मार्टिन स्टाइनर के लीडरशिप में पार्टिकल कोलाइडर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते दौरान डिवाइस के मेल्टडाउन के कारण घटा, जिसकी पावरफुल एनर्जी वेव के कारण 50 माइल्स के रेडियस में कॉन्टैक्ट में आने वाले लोग मारे गए। साइंटिस्ट की स्टडी के अनुसार जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो वो अपने जिंदा लाइफ का एक इको पीछे छोड़ जाते हैं, जिन्हें रेमिनेंट्स कहा जाता है। सिंपल हिंदी में एक जीवित इंसान या किसी भी चीज का कोई हिस्सा जो या तो उसके मेन पार्ट से अलग हो गया हो या खत्म या डिस्ट्रॉय होने के कारण पीछे छूट जाती है। अब हमें समझ आता है कि वो विस्पर्स क्या थे जो रोनी के बाथरूम में सुनाई दे रहे थे और उसके डैड क्यों हवा हो गए। पर साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार रेमिनेंट्स के एग्जिस्टेंस के भी कुछ नियम है, जैसे वो कुछ भी फील या थिंक नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनके पिछले लाइफ के होलोग्राम्स हैं जो अपने लाइफ के किसी एक हिस्से या मरने की घटना को पीछे छोड़ जाते हैं। दूसरा कि वो जो एक्शन एक बार करते दिखाई देते हैं वो वही एक्शन हमेशा करते रहते हैं, जैसे एक होलोग्राम को रिपीट मोड पर सेट कर दिया गया हो जो कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए ही दिखाई देते हैं, यानी कि उनका एक्शन कभी बदलता नहीं। और तीसरा कि उनके मौजूदगी से नेचर या इंसान पर कोई असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि ना ही वो सोच या टच महसूस कर सकते हैं। और आखिर में हर रेमिनेंट्स कुछ समय बाद अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इस घटना का शिकार रोनी के डैड भी बने, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानने लगी, क्योंकि यूजुअली उनके डैड काम पर ट्रेन से जाया करते थे जो कि घटना के लोकेशन से काफी दूर था। पर उस दिन उसके बचपना की वजह से उसके डैड को उसे मनाने के कारण उसके साथ कुछ ज्यादा समय बिताना पड़ा और लेट हो जाने के कारण से उन्हें अपनी कार ले जानी पड़ी जो एक्सप्लोजन के ठीक जोन में था, इसलिए वो रेमिनेंट्स के रूप में रोज पेपर पढ़ते दिखाई देते हैं। इनफैक्ट रोनी को ही नहीं बल्कि सभी को रेमिनेंट्स दिखाई देते हैं। पर आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट परफॉर्म करने के इरादे में थी, ये हमें क्लाइमेक्स में रिवील होगा। पर प्रोफेसर के थियोरीज के अनुसार जो भी रेमिनेंट्स आज दिखाई दे रहे हैं वो वही लोग हैं जो आज से 10 साल पहले उस घटना का शिकार बने और वो सून धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। पर रोनी और अगर न्यूज की माने तो रेमिनेंट्स के कम होने के बजाय उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे रेमिनेंट्स भी दिखाई दे रहे जो उस घटना का हिस्सा भी नहीं थे, जैसे उदाहरण के तौर पर वो उसके बगल की रेमिनेंट की तरफ इशारा करती है जिसके कपड़ों से वो साफ 80s के समय की दिखाई देती है। इससे पहले कि प्रोफेसर को कुछ समझे और वो जवाब दे, स्कूल ब्रेक हो जाता है। क्लास छूटने से पहले प्रोफेसर उसके ग्रेड्स के लिए कंसर्न दिखाते हैं कि उसमें काफी पोटेंशियल है और अगर उसे किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी दौरान रोनी को प्रोफेसर की बेटी ईवा के बारे में पता चलता है, जिसकी आज उम्र उसके बराबर है। लंच के दौरान रोनी को अपने क्लास के एक क्यूट स्टूडेंट कर्क लेन पर इंटरेस्ट आने लगता है जो किसी से भी मिंगल नहीं करता, पर रोनी के फ्रेंड के अनुसार उसका पिछला रिकॉर्ड किसी कारण से अच्छा नहीं रहा, इसीलिए उसके पिछले स्कूल से उसे निकाल दिया गया और उसके ठीक बाद से उसे मेंटल हॉस्पिटल में समय बिताना पड़ा और खास करके उसे रेमिनेंट्स में बहुत दिलचस्पी है। अब अगले दिन जब रोनी शॉवर करके निकल ही रही होती कि कोई अनजान
अनजान रेमनेंट उसके बाथरूम में घुस आता है, जिससे वो एकदम घबरा कर गिर पड़ती है। रॉनी के लिए ये हैरानी की बात होती है, क्योंकि रेमनेंट्स यूजुअली वहीं दिखाई देते हैं जहां उन्हें पहले देखा गया हो। वहीं ये रेमनेंट्स पहली बार उसके बाथरूम में दिखाई दे रहा है। सबसे डरावनी बात ये होती कि वो आईने पर रन लिखकर हवा हो जाता है। अब रॉनी बहुत घबराने लगती है कि शायद वो उसे मारने के पीछे है, इसीलिए तुरंत प्रोफेसर को इसके बारे में बताती है, जो उसकी मदद करने के इरादे से उसे घर पर इनवाइट करते हैं। प्रोफेसर का घर काफी आलिशान होता है, पर उसके हिसाब से उसकी बेटी अब इतनी कूल हो चुकी है कि अपने डैड को गले लगाने से उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। रॉनी उससे सवाल करती है कि क्या ये मुमकिन है कि रेमनेंट्स इंसानों से कम्युनिकेट या उन्हें हार्म कर सकते हैं। प्रोफेसर के हिसाब से ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, उसे शायद से घबराहट में थोड़ी देर के लिए इल्यूजन महसूस हुआ होगा। अब प्रोफेसर से कोई मदद ना मिलने पर उसे याद आता है कि उसका क्रश कर्क इन सब के बारे में काफी जानता है, पर क्योंकि सभी के लिए वो काफी अजीब है और कहीं वो साइकोपैथ ना निकले, वो पहले उसका पीछा करती है। और कर्क सच में अजीब मालूम पड़ता है, क्योंकि वो एक फ्रोजन पॉन्ड के करीब एक टनल में अनजान कारण से चला जाता है, पर जब वो खुद उसके साथ टनल में जाती है तब उसे सब समझ आता है। दरअसल जब समर सीजन शुरू होता है, विंटर के सारे बर्फ पिघलकर पानी हो जाते हैं, जिसके कारण वो टनल पानी से भरकर मछलियों के लिए रास्ता बन जाता है। कर्क दरअसल उन फिशेज के नंबर्स पर स्टडी कर रहा होता है, क्योंकि उसके मुताबिक भी रेमनेंट्स कम के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसका बेस्ट उदाहरण ये मछलियां हैं, क्योंकि पिछले महीने के हिसाब से इस बार उनका काउंट और ज्यादा दिखाई दिया। दरअसल कर की कहानी भी रोनी की तरह होती है, क्योंकि उसके पिताजी का भी निधन उस एक्सप्लोजन के कारण हुआ। उसकी जिंदगी में सिर्फ वही थे जो उसे बहुत पसंद करते थे, पर सबसे दुख भरी बात यह है कि उसे अपने डैड को कभी गुड बाय कहने को नहीं मिला, क्योंकि उसे उनका शव या ना ही उनका रेमनेंट कहीं दिखाई दिया। तब से वो रेमनेंट्स के बारे में स्टडी कर रहा है, ताकि एक दिन वो उनके रेमनेंट को ढूंढ सके। कर्क पहले तो उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता, पर रोनी उससे सौदा करती कि वो उसके लिए स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी, जिस पर वो तैयार हो जाता है, क्योंकि स्कूल में कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता। वहीं प्रोजेक्ट के लिए दो का होना जरूरी होता है। कर्क के मुताबिक उन्हें सबसे पहले उस रेमनेंट के बारे में पता करना होगा, जिस पर रोनी सुझाव देती कि उन्हें ब्रायन का तस्वीर लेकर गूगल सर्च करना चाहिए। पर कर्क नोटिस करता है कि उसने उसका नाम कैसे लिया। रोनी भी शॉक हो जाती है, उसके हिसाब से ये अचानक से उसके जुबान से निकला। दोनों इस बात का कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, इसलिए आगे का प्लान करने लग जाते हैं। कर्क के स्टडी के अनुसार रेमनेंट्स की तस्वीर ऑर्डिनरी कैमरा से नहीं ली जा सकती, इसके लिए उन्हें स्पेक्ट्रोग्राफिक लेंस से इक्विप कैमरा की जरूरत पड़ेगी, जिसका कॉस्ट मिलियंस में होता है। पर रोनी अपने एक गीकी दोस्त की मदद लेती है, जो जुगाड़ से एक प्यूरिफायर मशीन से एनवायरमेंट में स्पेक्ट्रोग्राफिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसके कारण वो लोग ऑर्डिनरी कैमरा से भी रेमनेंट की तस्वीर ले पाएंगे। दोनों एज पर प्लान वो डिवाइस सेटअप करते हैं, और लकीली समय होते ही ब्रायन फिर से मिरर के सामने खड़ा दिखाई देता है। पर इस बार स्पेक्ट्रोग्राफिक इफेक्ट के कारण ब्रायन का चेहरा अजीब तरह से बदलने लगता है। इससे पहले कि रोनी कुछ समझे, वो नष्ट होने से पहले रोनी पर लंच करता है, पर तब तक लकीली वो गायब हो चुका होता है। वहीं एन मौके पर कर्क ने उसकी पहली ही तस्वीर ले ली होती है। उसके तस्वीर की इमेज सर्च से उन्हें एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि ब्रायन दरअसल एक सीरियल किलर था, जिसने 4 साल पहले मैरी ग्रीव नाम की लड़की का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी, और जब उसके पीछे पुलिस पड़ गई तो अंत में उसने आत्महत्या कर ली। मैरी के मॉम से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि शायद मैरी ब्रायन को पहले से जानती थी, और अपहरण से पहले उनका किसी बात पर बहस हुआ था, पर अंत में वो उसे बहलाने में कामयाब रहा और उसे कहीं ले जाकर मारकर उसकी लाश झील में फेंक दी। अब कर को समझ में आ जाता है कि ब्रायन सच में रोनी को मारने के पीछे है, पर दोनों अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखते हैं कि आखिर ब्रायन मैरी को कैसे जानता था, क्योंकि दोनों सेम स्कूल में भी नहीं थे, और उसके हत्या का क्या मोटिव था। तब दोनों का ध्यान एक इम्पोर्टेंट क्लू पर पड़ता है कि जितने भी आर्टिकल्स में मैरी की हत्या के बारे में पब्लिश हुआ, उन पर उसकी एज अलग अलग मेंशनड है, और जांच करने पर उन्हें समझ आता है कि जब उसका अपहरण किया गया था तब उसके जन्मदिन को एक दिन बाकी था, वहीं जब उसकी लाश मिली तब उसका जन्मदिन गुजर चुका था। और सबसे हैरानी की बात यह कि रोनी का भी बर्थडे उसी दिन आता है, यानी कि हो सकता है कि हत्यारा उन्हें ही टारगेट करता है जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को पड़ता है। इतना कम नहीं था कि अचानक से लाइब्रेरी की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है, और फिर से किसी की विस्परिंग की आवाज सुनाई देने लगती है, और तभी उनका ध्यान नीचे पड़े नोटबुक पर जाता है, जिस पर कई बार रन स्क्रैच किया होता है, यानी कि ब्रायन उनका पीछा कर रहा है। पर अगले दिन कर्क को बुरा न्यूज मिलता है, क्योंकि मैरी की मॉम स्कूल के प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देती है कि कर्क उनके बेटी के हत्यारे के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। प्रिंसिपल को कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि पहले ही एक बार कर्क अपने पिछले स्कूल से सस्पेंड हो चुका था किसी सीरियस एक्ट के कारण, इसीलिए फिर कर्क को डर के मारे उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रिंसिपल से पूरा शेयर करना पड़ता है। उसी दौरान रोनी स्कूल गेम अटेंड कर रही होती है, और कर्क का कोई पता नहीं होता। गेम शुरू होता ही है कि प्रिंसिपल अपना मोबाइल चेक करने के बाद कहीं के लिए निकल पड़ते हैं,
और फिर तभी रॉनी को बार बार ब्रायन हर तरफ दिखाई देने लगता है। उसका पीछा करते करते वो ऐसे खो जाती कि उसे रियलाइज भी नहीं होता कि वो गेम के बीच आ गई है। इससे पहले कि वो ब्रायन तक पहुंच पाए, ऊपर से सीधे प्रिंसिपल की लाश गिरती है, जिसे देखकर सभी एकदम डर जाते हैं। फिर उसी शाम कर्क रॉनी को अलर्ट करता है कि उसके प्रिंसिपल को बताने के ठीक बाद उनकी हत्या हुई, यानी उन्हें बचकर रहना होगा। पर फिर उसी रात रॉनी को सपने में ब्रायन के अलावा कुछ अजीब सीरीज ऑफ क्लिप्स दिखाई देते हैं, जिससे वो एकदम घबरा जाती है। अगली सुबह रॉनी की मॉम को एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है, जिसके लिए वो निकल पड़ती है और वो सीधे उसके बर्थडे के दिन लौटने वाली होती है। वहीं कर्क जब रॉनी के साथ उसके घर पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, उसका ध्यान उसके डैड के न्यूज़पेपर पर पड़ता है, जिसकी तारीख सरप्राइजिंगली उस एक्सप्लोजन के 2 साल बाद की होती है, यानी कि उसके डैड के मरने के 2 साल बाद की होती है, जो कि कैसे मुमकिन है। तब वो एक अपहरण का आर्टिकल भी नोटिस करता है, इसलिए तुरंत उसे नोट करने लगता है इससे पहले कि वो हवा हो जाए। उस न्यूज आर्टिकल पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मैरी के अलावा 2 और लड़कियां, जैसे एमा जिसकी मौत 29 फेब, वहीं उसके ठीक 1 साल बाद क्लेरा की मौत 20 फेब को हुई। न्यूज आर्टिकल के अनुसार दोनों की हत्या मैरी की हत्या से जुड़ी है, पर वो लोग थोड़े कंफ्यूज होते कि अगर उनका हत्यारा सेम है तो क्लेरा की मौत 20 को कैसे हुई। अभी के लिए कर्क यही निष्कर्ष निकालता है कि शायद उसके डैड हमेशा से उसे वार्न करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर उसका ध्यान नहीं गया। क्लेरा के फ्रेंड से पूछताछ करने के बाद उन्हें खास जानकारी का पता चलता है कि ब्रायन क्लेरा का बॉयफ्रेंड था और जिसकी मौत उसी लैब के बिल्डिंग में हुई थी, और खास करके उसकी मौत इतनी ड्रामेटिक रही कि लोग उसके रेमिनेंट को मरता देखने रोज आते हैं। पर उन्हें अजीब लगता है कि दोनों उस लैब के बिल्डिंग में आखिर क्या कर रहे थे। पता करने के लिए दोनों तुरंत लैब के लिए निकल पड़ते हैं, पर जैसे ही वो सिटी के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें रेडियो पर वार्निंग मिलती है आगे नहीं बढ़ने को, पर दोनों रुकने को तैयार नहीं होते। रास्ते में कई क्रैश गाड़ियां, ट्रक्स और प्लेन्स दिखाई देते हैं, पूरे सिटी को पूरी तरह से सील कर दिया होता है। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ती है, उसे याद आता है कि ये सब उसे अपने नाइटमेयर्स में देखा था, और वो अब ये कंक्लूजन निकालने लगती है कि शायद से वो उसका नाइटमेयर्स नहीं बल्कि उसके लिए वार्निंग था। पूरा टाउन विस्पर्स और रेमनेंट से रेंगता दिखाई देता है, जिन्हें देखकर क्लियरली नजर आता है कि वो लोग एक्सप्लोजन के समय से नहीं बल्कि काफी समय पहले मरे थे, यहाँ तक कि उनका लूप अन्य शहर से कई गुना लंबा है। ब्रायन यही थ्योरी निकालता है कि क्योंकि ये प्राइमरी एरिया है जहाँ एक्सप्लोजन की घटना घटी, हो सकता है कि जिस शक्ति के कारण इनका निर्माण हुआ वो एनर्जी यहाँ सबसे अधिक होने के कारण इनका लूप इतना लंबा होने के अलावा इतने पीछे के समय से लोग दिखाई दे रहे हैं। लैब पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि आखिर क्यों क्लेरा के रेमनेंट को लोग देखने आते हैं। उन्हें तब बड़ी सफलता मिलती है जब कर्क उस एक्सपेरिमेंट के हेड डॉक्टर मार्टिन स्टैनर को नोटिस करता है, जो भागने की कोशिश करते पर अंत में उनके हाथ लग जाता है। उन्हें देखकर समझ आता है कि उस घटना के बाद वो साइकोपैथ हो गए और वो कुछ भी बताने से साफ मना करते हैं, पर ब्रायन का नाम सुनते ही वो उनके एक्सपेरिमेंट के सीक्रेट बताने को तैयार हो जाते हैं। और अब मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। डॉक्टर मार्टिन उन्हें रिवील करती है कि जब कोई रेडिएशन एक्सप्लोजन के चपेट में आता है तो उनका शरीर रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए नागासाकी, हिरोशिमा और शर्नोबिल एक्सप्लोजन के बाद मरे हुए लोगों का एको देखा जा सकता है। ठीक उसी तरह डेथ भी काम करता है, जब कोई मरता है उनका शरीर एक एको छोड़ जाता है। ये एको डेथ और लाइफ के बीच एक डोरवेज की तरह काम करता है, जिसकी मदद से लाइफ और डेथ के बीच एक डोर बन जाता है। उनके रिसर्च का मेन मोटिव उसी डोर को क्रिएट करना था, जिसकी मदद से उन्होंने कई पेशेंट्स को जो मरने के कगार पे थे उन्हें डेथ से रिटर्न लाया। पर उनका मेन एम था एक मरे हुए को एक लिविंग इंसान के बॉडी में एक वेसल की तरह रिटर्न लाने का, जिसे स्पेक्ट्रल ट्रांसफरेंस कहा जाता है। पर ये अचीव करने के लिए वेसल और मरे हुए का बर्थडे एग्जैक्ट सेम होना चाहिए और ट्रांसफर उसी दिन होना चाहिए जिस दिन उनका जन्म हुआ। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनका रिसर्च और भी खतरनाक होते गया, इसलिए अंत में एक डोर क्रिएट करने के बजाय उन्होंने लाइफ और डेथ के बीच एक मैसिव होल क्रिएट कर दिया, जिसे अब कभी अंडन नहीं किया जा सकता। कर्क को एक नजदीक पड़े पिक्चर और डॉक्टर मार्टिन से पता चलता है कि ब्रायन उनका होनहार रिसर्च असिस्टेंट था, जिसे एक्सप्लोजन के बाद से कुछ हो गया और उनके अनुसार उसी ने अपने गर्लफ्रेंड की हत्या की, जिसे वो अब रेजरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर रॉनी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि लॉस के अनुसार रेमिनेंट्स किसी को छू नहीं सकते, तो वो हार्म कैसे कर सकते हैं। पर डॉक्टर मार्टिन उन्हें रिवील करते हैं कि ये सिर्फ एक फेक जानकारी पब्लिक को बताई गई है ताकि लोगों में डर ना फैले, इससे पहले कि वो दोनों और कोई जानकारी उनसे पता करें
डॉक्टर मार्टिन के लिए जो उन्हें जानकारी पता थी वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बोझ बन गई थी और अब वो चैन से मर सकते हैं और फिर देखते ही देखते वो खुद को शूट कर देते हैं। अब हमें समझ आता है कि क्यों गवर्नमेंट पब्लिक से एक्सपेरिमेंट के बारे में छिपा रही है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है और क्यों रोज न्यू रेमनेंट्स दिखाई देते हैं। पर अब भी कुछ सवाल बाकी होते हैं कि क्यों रोनी को वो सपना आया और उसके डैड कैसे उसे वार्न करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ब्रायन को अगर उसके गर्लफ्रेंड को मारना ही था तो वो उसे जिंदा करने के पीछे क्यों है, ये सारी मिस्ट्री मेन क्लाइमेक्स में रिवील होगा। अब रोनी इंसिस्ट करती है कि उन्हें जल्द से जल्द पब्लिक को बताना होगा जो उन्होंने डॉक्टर मार्टिन से सीखा, पर कर्क उसे याद दिलाता है कि उन्हें सबसे पहले ब्रायन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पर इससे पहले कि दोनों अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सके, स्कूल ऑफिशियल्स को टिप मिलती है कि कर्क के लॉकर में गन है जो सर्च करने पर सच साबित निकलती है। वो रोनी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसे फंसाया जा रहा है, पर जब रोनी को पता चलता है कि कर्क को इसलिए उसके पिछले स्कूल से सस्पेंड किया गया क्योंकि उसके पास से गन बरामद हुई थी और अब उसे भी उस पर शक होने लगता है। सिर्फ एक ही दिन बचा होता है उसके बर्थडे को, इसलिए मदद के इरादे से प्रोफेसर को सब बताने लगती है। पर प्रोफेसर को पहले ही पता होता है क्योंकि वो बताते हैं कि मैरी के मॉम ने प्रिंसिपल को बताने से पहले उन्हें सब बता दिया था और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उससे पहले सारी जानकारी समझने की कोशिश करती कि डॉक्टर मार्टिन ने उसे और कुछ बताया, पर उसे जो याद था उसने सब बताया होता है। प्रोफेसर के अनुसार उसके पास एक ही चारा है कि उसे कैसे भी 29th के दिन बचकर रहना होगा। वहीं कर्क रोनी से मिलने पर उसे सब समझाने की कोशिश करता है, पर वो यकीन करने को रेडी नहीं होती। फिर इवेंचुअली कर्क रिवील करता है कि उसने पिछले स्कूल में वो गन खुद को चोट पहुंचाने के लिए रखा था, ना कि दूसरों के लिए। अपने डैड के रेमनेंट का पता ना लगने के कारण उसने आत्महत्या करने की सोची थी, पर रोनी को उस पर इस बात पर भी शक होता है कि जब प्रिंसिपल की मौत हुई वो कहीं तो गायब था, यानी कि हो सकता है कि उसी ने उनका किसी कारण से हत्या की। एक तरफ प्रोफेसर रोनी के घर के पैनिक रूम को मेटालिक फ्रेम से कवर करने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से रेमनेंट्स इसके थ्रू नहीं आ सकता। वहीं कर्क लैब से मिले फोटो पर रिसर्च करने लगता है क्योंकि उसमें किसी एक की तस्वीर कटी होती है, और उसी दौरान रोनी की मॉम को पता चलता है कि कंपनी ने उसे कभी कॉल ही नहीं किया इंटरव्यू के लिए। वहीं अपना काम खत्म करने पर प्रोफेसर फूड के बहाने से अपने घर जाता है और तभी कर्क को पता चलता है कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद से पूरी टीम लापता हो गई और वो कटा हुआ चेहरा और किसी का नहीं बल्कि प्रोफेसर का है जो डॉक्टर मार्टिन का एक्सपेरिमेंट में पार्टनर था। कर्क तुरंत प्रोफेसर के घर जाता है कंफर्म करने के लिए, पर जब वो प्रोफेसर की बेटी को गायब होते देखता है तब मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल इन सब मर्डर के पीछे ब्रायन नहीं बल्कि प्रोफेसर खुद है। एक्सपेरिमेंट फेल का पता होने पर वो तुरंत अपने बेटी को कॉल करके सेफ प्ले जाने को कहते हैं क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में मौजूद थी, पर वो पहुंच नहीं पाई और वहीं ब्रायन के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए ब्लास्ट से पहले प्रोफेसर को सेफ जगह खींच लेता है। तब से वो खुद को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानने लगा क्योंकि उसे पता था कि उसके एक्सपेरिमेंट से क्या क्रिएट हुआ। अपनी आइडेंटिटी बदलने के बाद वो अपनी बेटी को रिजरेक्ट करने के इरादे से एमा, क्लैरा और मैरी को अगवा किया ताकि उन्हें एज वेजल यूज करके अपने बेटी को रिजरेक्ट कर सके, पर वो स्पेक्ट्रल ट्रांसफरेंस किसी कारण से सफल नहीं रहा। वहीं एमा उसके हाथों एक दिन पहले ही 28th को मारी गई, इसलिए वो उस पर परफॉर्म ही नहीं कर पाया। पर एमा और क्लैरा के मौत के बाद ब्रायन को उसके इंटेंशन के बारे में समझ गया था, इसलिए वो मैरी को वार्न करने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि मैरी के साथ वो लास्ट बार देखा गया था पुलिस उसी के पीछे पड़ गई और वो बचने के इरादे से किसी मोटल छिप गया। इससे पहले कि वो प्रोफेसर का पोल खोले प्रोफेसर ने उसकी जान ले ली। प्रिंसिपल की भी हत्या उसी ने की थी क्योंकि उन्हें प्रोफेसर की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था। अब हमें समझ आता है कि जब रोनी प्रोफेसर के घर गई थी ईवा ने प्रोफेसर के बातों पर रेस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक रेमनेंट थी जो प्रोफेसर ने सभी से छिपा रखी थी और रोनी की मॉम को फेक जॉब कॉल और कर्क के लॉगर में गन उन्हीं ने रखा था ताकि बर्थडे के दिन रोनी अकेली पड़ जाए। यही कारण कि वो उस समय रोनी से सवाल करता है कि डॉक्टर मार्टिन ने उसे और कुछ बताया, इस डर में कि कहीं डॉक्टर मार्टिन ने उसे उसकी जानकारी ना दे दी हो। प्रोफेसर ने आइडेंटिटी बदल कर स्कूल इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो स्कूल में अवेलेबल बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की मदद से अपने बेटी के लिए एग्जैक्ट मैच ढूंढ सके जैसे उसे रोनी मिली। इससे पहले कि कर्क रोनी को वार्न कर सके, कर्क के ताक झाक से प्रोफेसर को हिंट लग जाता है, इसलिए उसे नॉकआउट करके जिंदा गाड़ देते हैं और खुद फूड के साथ रोनी के यहाँ पहुंच जाता है। अब रात बीत जाती है और बर्थडे का दिन शुरू हो जाता है, पर फिर तभी एक मेटालिक फ्रेम निकल आता है जिसे रीफिट करते दौरान रोनी को चोट लग जाती है और वो ब्लीड करने लगती है, और तभी उसे याद आता है कि उसने ब्लीडिंग अपने सपने में भी महसूस की थी, यानी कि उसका सपना जो उसे अब तक सचेत करते आ रहा है यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए वो प्रोफेसर को भनक नहीं लगने देती और उससे सवाल करती है कि ये फ्रेम किस चीज से बना है। प्रोफेसर रिप्लाई करता है कि ये लीड पॉलीमर से बना है, और फिर तभी रोनी को चमकता है कि सेम चीज मैरी के नाखून में पाई गई थी जो शायद भागने की कोशिश में मैरी के नाखून पर इसी फ्रेम्स के कुछ सैंपल्स लग गए। रोनी को अब सब समझ जाता है और बहाना करती है बाहर जाने का, पर प्रोफेसर को भी उसके बिहेवियर से शक हो जाता है और उसे रोक देता है। फिर रोनी उसे चकमा देकर कैसे तो भाग पड़ती है, पर तब तक प्रोफेसर उसे पकड़
लेता है। प्रोफेसर उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि रॉनी के डैड का रेमनेंट उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते और मौका देखते ही रॉनी भाग निकलती है। आखिरकार प्रोफेसर उसे एक फ्रोजन लेक के यहाँ पकड़ लेता है, पर स्मार्ट रॉनी बर्फ की चादर को तोड़ देती है जिससे दोनों पानी में गिर जाते हैं। प्रोफेसर उसे पानी में डुबोने की कोशिश करता है और फिर तभी ब्रायन का रेमनेंट आ जाता है और रॉनी को बचाने के इरादे से उसे सतह पर खींचने लगता है। वहीं प्रोफेसर उसे अब भी डुबाने की कोशिश में होता है, पर फिर एमा का रेमनेंट बदला लेने के इरादे से प्रोफेसर को नीचे खींच लेती है। ब्रायन के मदद से रॉनी सतह पर पहुंच जाती है और वहीं प्रोफेसर डूबकर मारा जाता है। पर रॉनी के बाद अब ताकत नहीं बची होती है खुद को ऊपर खींचने के लिए और वो हाइपरथर्मिया के कारण बेहोश होने लगती है और उसे तभी अपने डैड दिखाई देने लगते हैं जो उसे उन्हें जाने देने को कहते रहते हैं। मानो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि उसे खुद को जिम्मेदार मानना बंद करना होगा ताकि वो आजाद हो सके। फिर एन मौके पर कर्क आ जाता है और अब हमें पता चलता है कि उसके भी डैड ने उसे बचाया, क्योंकि मूवी की शुरुआत में शवल करते दिखाया वो कर्क के खोए डैड का रेमनेंट था जिन्होंने कर्क को खोदकर बाहर निकाला। अब हमें कुछ और रेमनेंट्स के बारे में पता चलता है कि वो सिर्फ वहीं नहीं दिखाई देते जहां उनकी मौत हुई थी, क्योंकि प्रोफेसर की बेटी की मृत्यु लैब में हुई थी पर वो उनके घर में दिखाई दे रही थी रोज। वहीं ये सही है कि रेमनेंट्स कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं, पर कुछ रेमनेंट्स के लाइफ का अलग मकसद होता है, जैसे क्लेरा, ब्रायन और रॉनी और कर्क के डैड का मकसद उन्हें बचाना था, इसलिए रॉनी के दिमाग में आउट ऑफ द बॉक्स ब्रायन का नाम आया। वहीं एमा का प्रोफेसर से बदला लेना था। जब उनका मकसद खत्म हो गया वो अपने आप गायब हो गए, मानो उनके रेमनेंट्स को शांति मिल गई। इस पूरे एक्सपीरियंस में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीं रेमनेंट्स और उस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई के बारे में सिर्फ उन्हें पता होता है, कोई भी उनके बातों पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि उनका मेन सोर्स डॉक्टर मार्टिन और प्रोफेसर नहीं रहे, यानी कि किसी तरह उन्हें सभी को समझाना पड़ेगा, इसीलिए अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस बात से अनजान कि प्रोफेसर का रेमनेंट उनके पीछे है और फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, अगर आप ये सोच रहे होगे कि आगे क्या होगा और क्या इसका सीक्वल बनेगा, जितना जानकारी मुझे पता चला है कि इसका सीक्वल आगे नहीं बनने वाला, इसलिए एक तरह से ये मूवी हमें काइंड ऑफ अनकम्प्लीट लगती है। मुझे ये मूवी जरूर अच्छी लगी, पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि इसमें एक्चुअल में स्पेक्ट्रल ट्रांसफरेंस कैसे काम करता है ये तो दिखाया ही नहीं है कभी, क्योंकि अगर आप नोट करोगे तो प्रोफेसर क्लेरा, मैरी, एमा और रॉनी को मार रहा होता है। भला ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा अगर आपका प्लान ही एक मरे हुए को जिंदा इंसान के शरीर में ट्रांसफर करना हो। अगर आपके पास कोई भी थ्योरी हो तो प्लीज मेरा ये कंफ्यूजन कमेंट में जरूर क्लियर करें। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।